हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेबी लंगोट बनाना सिखाऊंगी। किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। सबसे पहले आप कपड़े को 10 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा इस तरीके से काट लें और इसको इस तरीके से रखें। इस तरीके से रखें और इसमें यहाँ पर सिलाई हो जाएगी। और इसमें लगाने के लिए हम पतली पतली कपड़े की इसमें से काटेंगे, 5-5 इंच की, इस तरीके से। इस तरीके से काट लेंगे। और इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे, इसको ऐसे और इसमें भी ऐसे। अब हम इस तरीके से पट्टी को ऐसी सिलाई कर लेंगे, ऐसे मोड़ कर और इस तरीके से। तरीके से इसमें ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ कोने में इसको ऐसे डाल के इसके अंदर यहाँ पर सिलाई करेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे और ये इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ कर बीच वाले में ऐसे अटैच करेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से इसे अंदर डालते हुए और ऐसे। और उसके बाद यहाँ से मोड़ते हुए बच जाए तो इसे खोल कर हम इसे सीधा कर लेंगे, यहाँ से ऐसे इसे सीधा कर लेंगे। अब हमने ये दोनों तरफ से ज्वाइंट करके इसको इधर से जोड़ के बीच में हम थोड़ा सा ये छोड़ रखा है हमने, इसमें हम बाद में सिलाई लगाएंगे ऊपर से ऐसे, इस तरीके से। इस तरीके से हम लास्ट में ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर चाहे तो आप एक बार ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं ताकि ये यहाँ पर मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, इस तरीके से। देखिए हमारा लंगोट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से और इसे इस तरीके से तैयार है। ये देखिए, लंगोट बिल्कुल सिलकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।